और आमतौर पर मुआशरे को देखा जाए तो इंसाफ के साथ, अदल के साथ, कुरान और हदीस में जो तरीक़ेकार विरासत की तकसीम का बयान किया गया है उससे हटकर, परे होकर विरासत तकसीम होती है, और कभी नहीं भी होती है तो साल साल तक नहीं होती है। और कई मरतबा ऐसा होता है कि बहुत देर तक विरासत जब तकसीम नहीं होती है तो इतना झगड़ा आगे बढ़ जाता है कि नस्लों तक चलता रहता है। कभी कोर्ट में कैसे पहुंचते हैं, कतार आने का जरिया बनता है, भाई भाई में झगड़ा, बहन भाई में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, और ये झगड़ा इतना आगे बढ़ता है कि नस्लें भी याद रखती है। जब दो भाइयों के दरमियान में सही विरासत तकसीम नहीं होती तो उन दो भाइयों की जब नस्ल आगे बढ़ती है तो इन दोनों नस्लों में भी ये होता है कि हर भाई की औलाद ये कहती है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, फुला हमारे चचा ने हमारे साथ नाइंसाफी का मामला लिया है। जब तीसरी नस्ल आती है तो भी वो भी यही सोचती है। तो ये झगड़ा विरासत का झगड़ा ऐसा है जो नस्लों तक चलता है। हमारे सामने अभी एक मसला आया था, जो मसला लेकर आए थे वो दादा बन चुके थे और इनका जो मसला था वो इनके दादा का मसला था। अब कितनी पीढ़ियां आगे बढ़ चुकी लेकिन अभी तक मसला हल होने का नाम नहीं ले रहे। फिर वो मुफ्तियाने किराम भी सर पकड़कर बैठ जाते कि इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। इसलिए ये मौजू बड़ा अहम और हसास है, हर घर की कहानी है, और इस मौजू का अंदाजा, इससे अहम होने का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अहकाम बयान किए हैं उनमें तफसील के साथ किसी हुक्म को बयान किया हो तो विरासत का हुक्म है। बाकी आप नमाज का हुक्म देख ले, कुरान करीम में है आपकी सलात नमाज को कायम करो। बाकी नमाज कौन से वक्त में पढ़ी जाएगी, नमाज में कितनी रकातें हैं, कितने फराइज हैं, वाजिबात हैं, सुनन हैं, मुस्तहबात हैं, उसकी तफसील आपको अहादीस में मिलेगी। ज़कात कौन से माल में कितनी फर्ज है, उसके क्या क्या मसाइल है, वो सब आपको अहादीस मुबारक में मिलेगा। हज का तरीक़ेकार आपको अहादीस मुबारक में मिलेगा। लेकिन जब विरासत का मसला आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने तीन आयतों में तफसील के साथ कुरान करीम में ही जिक्र फरमाया। इससे भी इस मौजू के अहम होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला मसाइल विरासत के मसाइल को बयान करने के बाद कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तिल्क हुदूदुल्लाह वमन युतिअल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। ये जितने भी मसाइल बयान किए गए ये सारे अल्लाह के हुदूद हैं, जो इसके मुताबिक और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों के मुताबिक विरासत को तकसीम करेगा उसे ये बशारत दी गई है कि वो जन्नत में दाखिल हो, और इसको बड़ी कामयाबी बयान किया गया है। लेकिन अगर कोई बगावत पर उतर आता है, नाफरमानी पर उतर आता है, वो ये कहता है कि मेरा माल है, हमारे बाप दादा का माल है, इसमें शरीयत का क्या लेना देना, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसे अल्फाज भी निकल आते हैं कि हम तो आपस में बैठकर हमारी मर्जी के मुताबिक तकसीम कर लेंगे, हमें किसी मुफ्ती की जरूरत नहीं है, इन चीजों की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जो तरीक़ेकार कुरान करीम में बयान किया गया, अहादीस मुबारका में बयान किया गया, कोई उससे हटकर नाफरमानी पर उतर कर अगर वो काम करेगा तो उसके लिए फिर दर्दनाक अजाब की वही भी जिक्र फरमाई। बल्कि यहाँ तक अगर जिक्र किया गया है उलमा ने कि अगर कोई विरासत का सिरे से इनकार कर देता है कि मैं कुरान और हदीस में जो अहकाम बयान किए गए हैं विरासत के और तरीक़ेकार बयान किया गया है मैं नहीं मानता, चाहे वो अपनी जुबान से कहे या दिल में इस बात को जमाए बैठा है, तो कहा कि वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाया है, इसलिए कि उसने कुरान करीम के अहम हुक्म का इनकार किया। इस मौजू के अहम होने का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जो लोग विरासत सही तौर पर तकसीम नहीं करते हैं, ताकतवर दो या तीन आदमी मिलकर या एक शख्स मिलकर पूरा माल समेट लेते हैं, इसको काफिराना और हिंदुआना और यहूदाना हरकत बयान किया गया है। कहा के इसे पहले कहा कि तुम लोग पूरा माल समेट कर विरासत का खा जाते हैं और दुनिया की मोहब्बत में और माल की मोहब्बत में चकनाचूर हो जाते हैं। ये उन मकामात पर बयान किया गया है जहां वो सिफात बयान की गई है जो मुसलमान के सिफात में से नहीं है।
अहादीस मुबारक को अगर उठाकर देखा जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस मुबारक में इसकी फजीलत भी बयान की गई है और उसकी अहमियत भी बयान की गई है। अहादीस मुबारक में आता है कि तुम मेरा मीरास के मसाइल को सीखो और लोगों को सिखाओ, इसलिए कि वो निस्फ इल्म है, आधा इल्म कहा गया है। एक रिवायत में यहाँ तक आता है कि इल्म सिर्फ तीन तरह के हैं, बाकी सब ज़ाहिर है। एक आयत महमात का, दूसरे के सुन्नत कायमा का, और तीसरा जो इल्म बयान किया गया है वो विरासत को सही तौर पर तकसीम करने का है। एक रिवायत में यहाँ तक आता है कि कयामत से पहले पहले जो इल्म दुनिया में उठाया जाएगा और लोगों के दिलों से भुला दिया जाएगा वो सबसे पहले विरासत का इल्म होगा। और एक और ऐसा भी आएगा कि जब आपस में दो लोग झगड़ा करेंगे विरासत के बारे में, दो भाई बहन या दो भाई, तो इनके दरमियान में कोई सही फैसला करने वाला शख्स तक मौजूद नहीं होगा। तो बड़ी अहमियत का हामिल है ये मौजू जिसको अल्लाह के नबी अलैहि सलातो सलाम ने कुरान करीम में भी बार बार उस पर मुतनब्बे फरमाया है और तफसील के साथ उसको बयान किया है। एक रिवायत में यहाँ तक आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई वारिस बाकी लोगों का हिस्सा हजम करके बैठ जाता है और तो फिर अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में उसको जो हिस्सा मिलने वाला है उसको खत्म कर देते हैं, उसका हिस्सा रोक लेते हैं, क्योंकि दुनिया में उसने अपने वारिसदारों का हिस्सा रोक लिया। भाई ने अपने दूसरे भाई का रोक लिया, भाई ने बहन का रोक लिया, अपनी वालिदा माँ का हिस्सा रोक लिया, तो यकीनन एक दिन इंसान को मरकर दुनिया से वापस तो जाना ही है, अल्लाह को मुंह भी दिखाना है। तो रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला जन्नत में उसके मिलने वाले हिस्से को भी रोक लेंगे। तो दुनिया में तो बाज मरतबा हमें माल मिलने की बुनियाद पर खुश हो जाते हैं, लेकिन दुनिया की जिंदगी हम सब जानते हैं बड़ी मुख्तसर जिंदगी है और आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी है, वहां हम पकड़े जाएंगे और जन्नत में मिलने वाले हिस्से से हमें रोक दिया जाएगा। और एक काबिल अहम बात यह भी है कि जब कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला की जो अदालतें लगेगी वो तीन अदालतें लगेगी। सबसे पहली जो अदालत होगी वो ये होगी ईमान और कुफ्र का फैसला होगा कि जिसमें कहा जाएगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून कि जितने भी ईमान वाले हैं वो अलग हो जाए और जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखने वाले नहीं थे वो सब अलग हो जाए। उसके बाद फिर ईमान वालों में दो अदालतें लगेगी, एक अदालत लगेगी अल्लाह के हुकूक की जिसको हुकूकुल्लाह कहा जाता है और उस हुकूकुल्लाह की अदालत में इतनी पकड़ धकड़ नहीं होगी क्योंकि वो अल्लाह के हुकूक है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला बेनियाज है, अपनी रहमत से जिसको चाहेंगे माफ कर देंगे और जिसको चाहेंगे पकड़ लेंगे, तो वहां इतनी पकड़ धकड़ नहीं होगी। लेकिन दूसरी जो अदालत लगेगी वो हुकूकुल इबाद की लगेगी और उसमें पकड़ धकड़ ज्यादा होगी, इसलिए कि बंदा तो मोहताज होता है, वो अपनी एक एक चीज का हिसाब मांगेगा। तो वहां रिवायत में आता है कि जब तक बंदा बंदों के हुकूक अदा नहीं कर देगा तब तक वो पकड़ा जाएगा। कभी आमाल के जरिए से उसको हुकूक अदा करने पड़ेंगे और आमाल नहीं है तो फिर दूसरों के गुना अपने सर लेने पड़ेंगे। इसलिए इमाम सुफियान सॉरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि एक आदमी अल्लाह के 70 हुकूक की नाफरमानी करके जाए, 70 हुकूक को छोड़कर जाए और बंदे का सिर्फ एक हक छोड़कर जाए, तो ये अल्लाह के 70 हुकूक का छोड़ना ज्यादा हल्का है, आसान है बंदे का एक हक छोड़ने के मुकाबले में। इसलिए कि अल्लाह पे नियाज है, वो अपने हुकूक की परवाह नहीं करते, लेकिन बंदा मोहताज है वो तो एक एक नेकी पर पकड़ेगा, जिसका खुलासा कुरान करीम की आयत में भी है यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीह, जहां भाई अपने भाई को पकड़ेगा, माँ अपनी बेटी और बेटे को पकड़ेगी, बाप जिसने अपने बेटे को पूरी जिंदगी शहजादों की तरह रखा वो भी अपने बेटे को पकड़ेगा अपना हक ले हक के लिए। तो ये हुकूकुल इबाद का मसला भी है कि अगर दुनिया में हमने हक अदा नहीं किया, विरासत सही तकसीम नहीं की, तो आखिरत में पकड़े जाएंगे, आमाल के जरिए से हक देना पड़ेगा और आमाल इतने नहीं है तो फिर दूसरे के गुना हमारे सर पर लेने पड़ेंगे। और रिवायत का खुलासा यहाँ तक है कि फिर जब आमाल भी खत्म हो जाएंगे दूसरे के गुना भी सर पर लेने पड़ेंगे तो फिर उसे घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, विरासत तकसीम करने के कुरान और हदीस की रोशनी में कितने फायदे हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला की रजामंदी हासिल होती है, अल्लाह खुश होते हैं। दूसरा फायदा यह है कि अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत हमें नसीब होती है क्योंकि हमने अल्लाह के एक अहम हुक्म को पूरा किया है। तीसरा फायदा यह होता है जो कुरान की रोशनी में हमें समझ में आया कि बंदा जन्नत का हकदार बन जाता है।
चौथा फायदा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कयामत के दिन शफात नसीब होगी। पांचवा फायदा यह है कि अजाब से छुटकारा मिल जाएगा। छठा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब विरासत सही तकसीम होगी तो हर एक के पास हलाल माल पहुंचेगा, और जब घरों में हलाल माल पहुंचता है तो उसका असर इबादतों में दिखाई देता है, इबादतें सही अदा होती और मकबूल होती है। एक फायदा यह है कि रिश्तेदारों की दुआएं भी लगती है, क्योंकि जब जब एक बंदा हिम्मत करके विरासत सही तकसीम करता है, अपने नफ्स पर बोझ डालकर और हर हक वाले को हक पहुंचाता है, तो दूसरा जो कमजोर भाई है वो भी दुआएं देता है, बहने भी दुआएं देती है, बूढ़ी माँ भी दुआएं देंगी और रिश्तेदार भी दुआएं देंगे। तो ये जब दुआएं लगती है तो फिर फायदा भी होता है, माल में जान में सबसे बरकत आती है। इसी तरीके पर कोई बंदा जब ऐसा मुआशरा चल रहा हो जहां विरासत सही तकसीम ना हो, एक भाई एक बंदा खड़ा होकर सही विरासत तकसीम करता है, तो ये दूसरे लोगों के लिए तरगीब का जरिया बनता है और सदके जारिया बन जाता है। उसको देखकर दीगर रिश्तेदार भी इसी तरह विरासत तकसीम करते हैं और उसका सवाब उसी को मिलेगा। एक फायदा ये है कि जो माल हलाल तरीके पर तकसीम किया जाता है तो उसमें बरकतें भी आती हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे दौलत तकसीम होती है, और यही मजहब इस्लाम का सबसे बड़ा अहम मतलब के बात है जो सूद का आगे मौजू आएगा। सूद पर इस्लाम ने रोक क्यों लगाई है? इसलिए कि जब जब बगैर मेहनत के कमाई का जरिया अगर इख्तियार कर लिया जो सूद वही है, तो फिर ये चंद लोगों के पास पूरा माल सिमट कर रह जाता है और मालदार मालदार बनता जाता है और गरीब गरीब बनता जाता है। इसी तरीके पर जब विरासत सही तकसीम नहीं होती है तो ताकतवर आदमी सारा माल हड़प कर लेता है और चंद लोगों में पूरा माल तकसीम हो जाता है, और कमजोर आदमी कमजोर ही रहता है। तो विरासत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कमजोरों तक भी विरासत तक पहुंचती है, बहनों के पास जाती है, बूढ़ी माँ के पास माल जाता है। एक कमजोर भाई जो कमाने में कमजोर है या और भी कई बीमारी में मुब्तला है, तो उसके पास भी अपने वालिद और बाप का माल पहुंचता है, तो ये दौलत तकसीम होती है और ये भी बरकत का जरिया बनता है। और उसके नुकसान भी कई है। सबसे पहला नुकसान तो ये है, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, अगर कोई उससे परे हटकर तकसीम करता है तो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के साथ बगावत है और बगावत बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरा, जब एक या दो आदमी पूरे माल पर कब्जा कर लेते हैं तो ये गसब का गुनाह है। यूं समझे कि खुल्लम खुल्ला बाज लोग तो धमकी देते हैं, नहीं देना, तुझे जो करना है कर ले, जिसके पास जाना हो जा ले, जिस मुफ्ती के पास जाना है तू जा सकता है, कोर्ट में जाना चाहता है तू चला जा, मैं नहीं दूंगा। तो ये गोया के लूट खसूट की है, खुले आम सरे आम वो माल को गसब कर लेता है, लूट खसूट कर लेता है। रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि जो आदमी जब माल को लूट खसूट करता है, लूटता है, तो उस वक्त उसके सीने से ईमान भी निकल जाता है। जो भी बयान किया गया कि दुनिया में अगर नहीं देगा तो आखिरत में देना पड़ेगा, या तो अमाल के जरिए से या सामने वाले के गुनाह अपने सर पर लेकर। वारिसों की बद्दुआएं लगती हैं, अपनी बहन की बद्दुआएं लगती हैं, छोटे और कमजोर भाइयों की बद्दुआएं लगती हैं, बूढ़ी माँ की बद्दुआएं लगती हैं, इससे भी इंसान को काफी नुकसान होता है। और ऐसा माल जो लोगों का हक दबा कर लिया जाता है, उस माल में कभी भी बरकत नहीं आती, चैन सुकून नहीं आती, औलादें भी नाफरमान पैदा होती है। अब हम इस मौजू पर आगे बढ़ते हैं। कई घराने ऐसे होते हैं जहां विरासत तकसीम तो होती है लेकिन बहुत देर के बाद होती है, कभी कभार तो 20-20 साल 25-25 साल तक हो जाते हैं। और एक मुआशरा हमारे ये भी बना हुआ है कि जब भी किसी शख्स का इंतकाल हुआ है, बहन है, भाई है, विरासत का मुतालबा भी करता है, तो कहा जाता है कैसा बेवकूफ है, उसके दिल में कैसी माल की मोहब्बत जमी हुई है कि अभी बाप का इंतकाल हुआ और उसको विरासत की पड़ी है। हालांकि कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो यही सही वक्त होता है, इसलिए कि सबके सामने होता है कि मरने वाले ने इतना इतना माल छोड़ा, यहाँ दुकानें हैं, यहाँ प्लॉट है, इतनी कैश रकम है, तो उस वक्त आफियत के साथ बगैर किसी झगड़े के माल की तकसीम हो जाती है। लेकिन जब मौखर किया जाता है 20-25 साल तक, तो उसी में माल बढ़ता रहता है। अब फिर मामला बढ़ जाता है, दुश्वारियां बढ़ जाती है, उलझने बढ़ जाती है, क्योंकि जो मेहनत करता है वो समझता है मेरा अपना है, हालांकि वो बाप ही के माल में से आगे तरक्की हुई है। दूसरे रिश्तेदार ये समझते हैं कि उसने नहा कब्जा कर लिया है, अभी और भी माल होगा लेकिन वो हमें दे नहीं रहा है। तो फिर
जब विरासत तकसीम की होती है तो ना इत्तेफाकी के साथ होती है, कतअ रहमी के साथ होती है, और उलझने और दुश्वारियां बढ़ जाती है। इसलिए उलमा भी फरमाते हैं, अहादीस से भी पता चलता है कि इंतकाल के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ही सारे रिश्तेदार मिलकर माल को तकसीम कर ले। इसका एक फायदा ये होता है कि जब अभी ताज़ा ताज़ा किसी का इंतकाल हुआ होता है तो दिलों में इतनी माल की मोहब्बत नहीं होती, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है माल की मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। उस वक्त दिल भी नरम होते हैं, सदमा लगा हुआ होता है, तो फिर लोगों को हुकूक मांगने की इतनी फिक्र भी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, दिल सख्त हो जाते हैं, माल की मोहब्बत बढ़ती जाती है, तो फिर लोगों को हुकूक मांगने की फिक्र भी बढ़ती है, और नतीजतन ये होता है कि हर शख्स अपनी मनमानी करने पर उतर आता है। और कितनी भी बैठक के फिर मुफ्तियाने किराम के साथ कर ले, समाज के जिम्मेदारों के साथ कर ले, हर कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता और नस्लों तक बढ़ता है। इसलिए जल्दी से जल्द इंतकाल के बाद विरासत तकसीम करने की फिक्र की जाए। यह उलमा की भी जिम्मेदारी है, मुफ्तियाने किराम की भी जिम्मेदारी और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हर जगह पर प्रोग्राम किए जाए और समाज में उसकी बेदारी लाई जाए। अब हम कुछ मसाइल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बात जहन में रख लें कि ये सारी चीज़ें जो बयान की गई और आगे जो मसाइल भी बयान किए जाएंगे वो एक शौक और अहमियत दिलाने के लिए है, वरना पहले भी कहा कि विरासत के जो मसाइल है वो हर घर की कहानी है और हर घर में पाया जाता है और हर घर की नौयत अलग होती है। तो अभी जो मसाइल बयान किए जाते हैं वो सिर्फ शौक दिलाने के लिए है, ये ना समझे कि यही मसाइल है। इसलिए जहां पर भी ये मसला पेश आवे मोतबर मुफ्तियाने किराम की तरफ रुजू किया जाए, अपने ईगो को, अपने अना को साइड में रखकर मुफ्तियाने किराम के पास जाए और अपने घर की पूरी नौयत को सामने रखें और शरीयत और सुन्नत क्या कहती है उसके मुताबिक हम अपनी जायदाद का और अपनी विरासत का हम फैसला करवाएं। सबसे पहली बात यह है कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो कुरान और हदीस में तरतीब बार चार काम करने का हुक्म दिया गया है। सबसे पहला काम तो मैयत के माल में से ही किया जाएगा कि उसके कफन दफन का खर्चा निकाला जाए। इन चार काम के होने से पहले आप और कोई काम नहीं कर सकते, ये बात जहन में रखें। उस मैयत के माल में से इन चार काम के होने से पहले आप न तो खाना पिला सकते हैं, न किसी मस्जिद और मदरसे में उस मैयत के माल में से कोई चीज दे सकते हैं, बल्कि यहाँ तक है कि उस माल में से एक चीज भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक ये चार काम तक ना हो जाए। सबसे पहला काम ये है कि मैयत के माल में से तजहीज और तकफीन का खर्चा निकाला जाएगा। कोई वारिसदार अपने माल में से भी निकालना चाहे तो निकाल सकता है, लेकिन हदीस पाक के अंदर आता है कि सबसे पहले कफन दफन का खर्चा निकाला जाए। उसके बाद देखा जाए कि मैयत ने कोई कर्जा छोड़ा है या नहीं छोड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए रिवायत में आता है कि हर शख्स को मरने से पहले अपने कर्जे की वसीयत करके जाना चाहिए। कोशिश तो ये हो कि जब दुनिया से जाए तो सारी चीज़ों से पाक साफ होकर जाए, सारा कर्जा निपटा कर जाए। लेकिन अगर मौका नहीं मिला है और वक्त ऐसा नहीं था तो फिर अपनी औलाद को वसीयत करके जाए कि मेरा इतना इतना कर्जा इतने इतने लोगों पर है। और वारसदारों को भी हुक्म दिया गया कि जब तक कर्जा अदा नहीं किया जाता तब तक मरने वाली की रूह अटकी रहती है, उसकी मगफिरत नहीं होती, जन्नत में दाखिला नहीं मिलता है। इसलिए वारसदार भी इस बात की फिक्र करे कि मरने वाले का कर्जा अदा करे, बल्कि यहाँ तक है कि अभी विरासत तकसीम नहीं होगी, अगर पूरा माल भी अगर कर्जे में चला जाता है तो पूरा माल भी चला जाए, कोई फिक्र की बात नहीं है। जिसने छोड़ा है उसका माल था उसी का कर्जा अदा किया जाएगा। तो वारसदारों को भी हुक्म है कि पूरा का पूरा कर्जा अदा कर दिया जावे, चाहे फिर एक रुपया भी न बचे। ये तो लोगों का कर्जा है। बाज मरतबा कई मरतबा ज़कात अदा नहीं की होती है, नमाजों को फितिया बाकी होता है, रोजे नहीं रखे हैं उसका कफारा देना होता है, कई मरतबा कसम का कफारा होता है। इन कफारे के बारे में भी यही हुक्म है कि अगर इन सारी चीज़ों के ये सारी चीज़ें अगर बाकी हैं तो भी वारसदारों को वसीयत करके जाए, मेरी इतनी ज़कात बाकी है, मेरी इतनी नमाजें छुटी हुई हैं जो मैं कज़ा नहीं कर सका, फिर यह अदा कर दिया जावे, इतना रोज़े छुटे हैं अदा कर दिया जावे। इसलिए कि इस मसले में तो ये है कि अगर वसीयत करके गया है मरने वाला तो फिर वारसदारों पर ज़रूरी है कि इन चीज़ों की वसीयत को पूरा किया जाए, मतलब रोज़ा ज़कात है, रोज़ों का कफारा है, नमाज का कफारा अदा किया जाए, और वो भी सिर्फ 33% माल में से, तिहाई फीसद माल में से। कि अगर किसी की नमाजें कज़ा हुई हैं, रोज़े कज़ा हुए हैं,
ज़कात अदा नहीं की है और वो वसीयत करके जाता है कि मेरी इतना इतना कर्ज अल्लाह तबारक व तआला का बाकी है वो अदा कर देना, तो वारसदारों पर सिर्फ तिहाई माल में से अदा करना जरूरी है, यानी 33% माल में से। इससे ज्यादा अगर वारसदार अपने बाप की अपनी माँ के माल में से देना चाहे तो भी देने की गुंजाइश है, और अगर वसीयत नहीं की है तो वारसदारों पर 1 रुपये का भी कफारा अदा करना जरूरी नहीं है। लेकिन वारसदारों को भी ये कहा जाता है कि माल छोड़ने वाले ने छोड़कर गया है, इनके हम पर बड़े एहसानात हैं, अगरचे वो वसीयत करके नहीं गए हैं, माँ ने छोड़ा है, बाप ने छोड़ा है, पूरी जिंदगी हमें पाला और पोसा है, तो फिर अगरचे वसीयत करके न जावे लेकिन मोतबर मुफ्तियाने किराम से रुजू करते करके उसकी तरतीब बयान कर मालूम कर ली जाए और रोज़े और ज़कात का कफारा वगैरह अदा कर लिया जाए। इसलिए दोनों को ताकीद की गई है कि वारसदार भी इस बात की फिक्र करें और मरने वाला भी मरने से पहले इस बात की फिक्र की जाए। एक हदीस पाक के अंदर आता है कि जिस आदमी की रूह इस हाल में जुदा हुई कि वो 3 चीज़ों से भरी है तो सीधा जन्नत में जाएगा। एक, उसका दिल तकब्बुर से खाली हो। दूसरा, उसने किसी के साथ कभी भी कोई खयानत का मामला न किया हो। और तीसरा है, उसके जिम्मे कोई कर्ज न हो। और जो शख्स कर्जा छोड़कर जाता है वो कितनी बुरी बात है, इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि दौरे नबी के अंदर जब किसी शख्स का इंतकाल होता था तो सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूछते थे नमाज जनाजा पढ़ने से पहले कि इसके जिम्मे कोई कर्ज बाकी है या नहीं। जब कहा जाता कि कर्जा बाकी है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर देते। कभी दूसरे लोग अदा करते थे, कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इंतजाम करते थे और फिर नमाज जनाजा पढ़ते थे। जिसकी वजह यही है कि जब तक कर्जा अदा नहीं किया जाता तब तक ईमान वाला उस कर्जे में गिरफ्तार रहता है, मुबतला होता है, जन्नत में जाना नसीब नहीं होता। इसलिए कि ये भी हुकूक इबाद का मसला है। तीसरा काम जो कुरान और हदीस में बयान किया गया है वो ये है कि कर्जे को अदा करने के बाद अगर माल बच जाता है तो फिर देखा जाएगा कि मरने वाले ने कोई वसीयत की है या नहीं की, और वसीयत पूरा करने की भी बड़ी ताकीद आई है। इसका भी इसकी अहमियत का अंदाजा भी इससे लगाया जा सकता है कि जहां विरासत के अहकाम बयान किए गए हैं वहां कर्ज से पहले भी वसीयत को बयान किया गया है। हालांकि कर्ज पहले अदा किया जाएगा फिर वसीयत पूरी की जाएगी, लेकिन कुरान करीम में वसीयत को पहले बयान किया गया है। उसकी वजह यह है कि कर्ज पूरा करने की तो आमतौर पर फिक्र की जाती है लेकिन वसीयत पूरा करने की फिक्र नहीं की जाती है। इसलिए देखा जाए कि मरने वाले ने कोई वसीयत की है या नहीं की। अब वसीयत पूरा करने में भी 3 चीजें सामने रखी जाएगी। सबसे पहली चीज, मरने वाला अगर जायज काम की वसीयत करके गया है तो पूरा किया जाए, और नाजायज काम की वसीयत की है, उलमा से मुफ्तियाने किराम से राब्ता करें कि जो वसीयत करके गया है वो काम जायज है या नाजायज है। अगर जायज है तो वसीयत को पूरा किया जाए, अगर नाजायज है तो उस वसीयत को पूरा नहीं किया जाएगा। दूसरी बात कि वसीयत भी उन लोगों के बारे में पूरी की जाएगी जिन लोगों को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। अगर बाप वसीयत करके गया है कि मेरे 4 बेटों में से 1 बेटे को इतना माल दे देना, मेरी फूला बेटी को इतना दे देना, तो शरीयत कहती है उस वसीयत को नहीं पूरा किया जाएगा। इसलिए कि शरीयत पहले से मरने वाले के माल में से उसको हिस्सा दे रहा है, बेटों को भी दे रहा है, बेटियों को भी दे रहा है। तो अगर वसीयत को भी पूरा किया जाएगा तो गोया दूसरे वारसदारों के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए जिनको हिस्सा मिल रहा है, बेटों को, बेटियों को, माँ को, या उलमाए किराम और मुफ्तियाने किराम से रुजू कर ले और उसके बाद इस बात की फिक्र करे। तीसरी चीज ये है कि वसीयत जो पूरी की जाएगी वो भी तिहाई माल में से पूरी की जाएगी, 33% माल में से। अगर कोई आदमी ये वसीयत करके जावे मरने से पहले, मेरा पूरा माल मस्जिद में, मेरा पूरा माल मदरसे में, या मेरा पूरा माल फूला दोस्त को दे देना, तो फिर शरीयत कहती है इस वसीयत को पूरा नहीं किया जाएगा। इसलिए कि सारी शक्लें ऐसी हैं जो वारसदारों को महरूम करने की है। बाज मरतबा ऐसा होता है कि बेटों के साथ अनबन है, बेटियों के साथ अनबन है, या दीगर जो विरासत के हकदार हैं इनके साथ अनबन होती है, तो फिर वो ऐसी हरकत करके जाता है कि मेरे वारसदारों को माल मिले ही नहीं। तो शरीयत ये कहती है कि वसीयत सिर्फ 33% माल में से पूरी की जाएगी, उसमें भी शर्त नाजायज काम की वसीयत ना हो और किसी वारसदार के बारे में वसीयत ना हो। अब चौथा काम आता है, ये 3 काम निपटा देने के बाद कि जब हमने तजवीज और तकफीन का खर्चा भी निकाल दिया, कर्जा भी अदा कर लिया, वसीयत भी पूरी कर ली, अब जो माल बचता है वो वारसदारों में तकसीम होगा।
और उसका क्या तरीकेकार है वो मुफ्तियाने किराम से रुजू होना पड़ेगा। एक अहम बात यह है कि 6 लोगों को विरासत में हर हाल में हिस्सा मिलता है, मरने वाले के बेटों को और बेटियों को, मरने वाले के माँ को, मरने वाले के बाप को, और मरने वाला अगर शौहर है तो उसकी बीवी को मिलता है और बीवी है तो उसके शौहर को। इन 6 लोगों को हर हाल में हिस्सा मिलता है अगर ये जिंदा है तो, और अगर बाकी जो है विरासत में जैसे चचा है, चचा के लड़के हैं, इन तक भी विरासत पहुंचती है लेकिन बहुत कम पहुंचती है। इन 6 लोगों को हर हाल में मिलता है। ये मसाइल आपको समझने के लिए मुफ्तियाने किराम ही से रुजू करना पड़ेगा, यहाँ इन मसाइल के बयान करने का मौका नहीं है। एक अहम बात यह भी है, जैसे पहले भी कहा कि विरासत तकसीम करने से पहले पहले अब उस माल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वाकया बड़ा मशहूर है कि एक शख्स की ताजियत के लिए गए, इयादत के लिए गए, जो बिल्कुल सकरात की हालत में था। वहां एक चिराग जल रहा था। जैसे ही उस शख्स का इंतकाल हुआ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस चिराग को बंद कर दिया और बाजार से नया मंगवाया। लोगों ने कहा कि अभी तो जरूरत थी उसको जलाने की, कहा कि मरने वाले का माल है, और जब मरने वाले का माल था अब वो मर चुका, उसका निराह वारसदारों का हो गया। अब जब वारसदारों का हो गया तो इसको इस्तेमाल करने से पहले हर वारिस की इजाजत लेना जरूरी है। इससे भी पता चलता है कि जो घरों में बड़ा भाई या एक लड़का, बाज मरतबा बड़ा भाई कब्जा कर लेता है, बाज मरतबा पूरी मिलकत का पता छोटे भाई के पास होता है तो वो कब्जा करके बैठ जाता है, अभी नहीं कल करेंगे, एक साल के बाद करेंगे, अभी क्या जरूरत है, और वो उसको इस्तेमाल करता रहता है तो उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज नहीं है। और जब वारिसदार में अगर नाबालिग हो और नाबालिग अगर इजाजत भी दे देवे तो उसकी तो इजाजत बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, इसलिए इसका खास ख्याल रखा जाए। अब आगे जो एक बात है वो ये है कि तरका किसे कहते हैं, कौन सा माल विरासत में शुमार किया जाएगा। आमतौर पर देखा जाता है दुकानें गिनी जाती हैं, प्लॉट वगैरह गिने जाते हैं, और कई चीजें ऐसी हैं जो विरासत में गिनी नहीं जाती, हालांकि वो भी विरासत का ही माल है। सबसे पहले दुकान है, मकान है जो मरने वाला है उसकी है, तो जमीन है, प्लॉट है, वो रकम जो उसके पास अभी कैश है या फिर बैंक में पड़ी हुई है, इंश्योरेंस में जमा की हुई रकम है, या फिर किसी को बतौर अमानत रखने के लिए दी गई है, ये सारी जो रकम है वो मरने वाले की है तो सारी विरासत में तकसीम के लिए जाएगी। इसी तरीके पर सोना है, चांदी है, औरत का इंतकाल हुआ है तो उसके मायके से मिला हुआ जो जहेज है वो भी विरासत में जाएगा। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती, जैसे मरने वाले के कपड़े हैं वो भी विरासत में जाए। हमारे यहाँ मुआशरा है, किसी गरीब को दे दिया जाता है, किसी को पहना दिया जाता है, बाज मरतबा जला दिया जाता है, तो आप तमाम वारिसों की इजाजत के बगैर ये काम नहीं कर सकते, इसको भी विरासत की तकसीम में लाना पड़ेगा। मरने वाले के पहने के कपड़े हैं, उलमा ने लिखा है, टोपी है, रुमाल है, बनियान है, जूते हैं, मोजे हैं, तस्बीह है, पानी की मशीन अपने पैसों से खरीदी गई है, उसकी डायरी है, कापी है, कलम है, चश्मा है, बूढ़ा आदमी है तो उसकी छड़ी है, किताबें हैं, पंखा उसकी कमाई से खरीदा गया है, रेफ्रिजरेटर जो घर में चल रहा है, एसी जो उसके घर में चल रहा है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, घड़ी जो उसके हाथ में पहनी हुई है वो भी विरासत में जाएगी, फर्नीचर घर का उसकी कमाई से बनाया गया है, जो कि भी घर में उसकी खरीदी हुई चीजें हैं सारी विरासत में जाएगी। आमतौर पर होता यह है कि जिस घर में इंतकाल होता है वो सारी चीजों पर कब्जा कर लेता है और मोटी मोटी चीजों को विरासत में लिया जाता है, इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। हालांकि उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर घर में मोमबत्ती है और वो भी मरने वाले की पैसों से खरीदी गई है तो वो भी विरासत में जाएगी। नाड़ा खरीदा गया है, छोटा सा तोला खरीदा गया है, वो भी उसकी पैसों से खरीदा गया है, वो भी विरासत में जाएगा। सिर्फ मोटी मोटी चीजों की विरासत तकसीम नहीं होगी, मरने वाले की हर चीज को विरासत में रखा जाएगा और फिर उसको तकसीम किया जाएगा। तकसीम से पहले न कोई उसको इस्तेमाल कर सकता है, न उसे किसी गरीब को पहनाया जा सकता है, न हदिया दिया जा सकता है, न अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जा सकता है, न उसके माल में से लोगों को खिलाया जा सकता है। अब कुछ शक्लें ऐसी है कि जहां हमारे मुआशरे में विरासत से महरूम कर दिया जाता है। एक शक्ल तो यह है कि आग दिलाई जाती है, बड़ा भाई
विरासत पर कब्जा कर लेता है या सारे भाई मिलकर विरासत पर कब्जा कर लेते, बहनों को नहीं देते या छोटे भाई को नहीं देते, और जब वो मांगता है तो आर पिलाई जाती है, बाप का इंतकाल हुआ तुझे माल की पड़ी है रहने दे, समाज की आग दिलाता है। और हमारा ये माशरा भी बना हुआ है, लोगों का मिजाज भी है, जो मजलूम है उसी को दबाया जाता है, छोड़ देना भाई अपना हक, क्यों खामखा झगड़े में पड़ा है, लेकिन कभी जालिम को जाकर नहीं पकड़ता कि तू कर रहा है वो गलत कर रहा है। मिजाज ये होना चाहिए कि जालिम को जाकर पकड़ा जाए कि तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, अपने छोटे भाइयों का हक दबा कर बैठा है, अपनी बहनों का हक दबा कर बैठा है। हमारा एक मिजाज और मेंटालिटी बनी हुई है कि जो हक दबा कर बैठा है वो ताकतवर है, उसको बुझाकर कोई नहीं छेड़ता। छोटे भाई को कहता है जाने दे, छोड़ देना अपना हक, बहनों कहता है कि तू छोड़ देना हक, ये हमारी मेंटालिटी है। जब तक जालिम को नहीं पकड़ा जाएगा, जुल्म को जुल्म नहीं कहा जाएगा, तब तक जुल्म खत्म नहीं होगा। मजलूम तो बेचारा पहले से मजलूम है और उसको दबाया जाता है और उसको हुकूक न मानने की हिदायत दी जाती है, लेकिन साथ में जालिम को भी पकड़ा जाए तो भी तो अपना हक अदा, लोगों का हक अदा कर। दूसरा, धमकी दी जाती है, जब बहाने मांगने के लिए आती है तो भाई अक्सर ये कहता है भाई तुझे मुझसे रिश्ता बाकी रखना है या विरासत में हिस्सा लेना है। मां भी कहती है माँ बाप का तो इंतकाल हो चुका है, अब रहा सहा एक भाई का तो घर है, अब ज्यादा हिस्सा मांगोगी तो भाई का तालुक कर लेगा, बोलना बंद कर देगा, मेरे भाई का घर भी बंद हो जाएगा, इसलिए इसी डर से वो अपने भाई से हिस्सा नहीं मांगती। एक तरीकेकार ये भी है, जब कहा जाता है कि आप अपनी बहनों को हिस्सा दीजिए, तो भाइयों का कहना है कि शादी में बहुत खर्चा कर लिया, इतने लाख हमने जहेज दिया है, इतना पैसा हमने ममेरे में खर्च किया, न जाने या चियारे में खर्च किया, तो ये डबल गुना है। पहला गुना तो ये है कि आप शरीयत का जो हुक्म है विरासत का उसको अदा नहीं कर रहे, दूसरा गुना ये है कि जो चीजें शरीयत से साबित नहीं थी आपने उसको की, तो पहले आपने मनमानी की, हम वही करेंगे जो समाज के दीगर लोग करते हैं, कुरान और हदीस में जो गया गया कहा गया वो नहीं करेंगे, क्यों कहकर सारी चीजें की। हालांकि देखा जाए तो लड़की के बाप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, लड़के को कहा गया तू महर अदा कर, वलीमा भी लड़के को कहा गया, ये लड़के की शादी की खुशी के लिए वलीमा नहीं है, ये उस लड़के के घर में एक नया मेहमान आ रहा है, एक उसके घर का एक नया फर्द, मतलब रिश्ते के हैसियत से एक नई जिम्मेदारी लेकर आ रहा है, तो लोगों को पता चले कि उसके घर में एक नया मेहमान आए उसकी खुशी में वलीमा किया जाता है, इसलिए लड़की की शादी में जो खर्च करके, और दूसरी बात देखी जाए कि लड़की की शादी में खर्च किया जाता है तो इतना खर्चा तो लड़के की शादी में भी किया जाता है, लड़के की पढ़ाई लिखाई में किया जाता है, उसको सेटल करने में किया जाता है, तो ये जो बहाना है कि हमने लड़की के पीछे बहुत सारा खर्चा कर लिया है, तो ये उज्र सही नहीं, डबल गुना है, शरीयत का जो हुक्म था वो अदा नहीं किया और न करने के नाम आपने किए हैं, तो ये इसलिए कहा कि उज्रे गुना बदतर गुना, गुना से भी बड़ा गुना ये है कि आप उज्र बयान करें गुना करने के लिए। दूसरा, कई मरतबा ऐसा होता है कि वालिदैन को हिस्सा नहीं दिया जाता, बेटे ये समझते हैं माँ बाप तो हमारे पास ही रहते हैं, इनको पैसे की क्या जरूरत है, तो शरीयत का हुक्म है जो वालिदैन को मिलता है वो देना पड़ेगा। बाज मरतबा बूढ़ी माँ को नहीं दिया जाता, बेटे कहते कि हमारे पास तो रहती है, उसको विरासत में हिस्सा देने की क्या जरूरत है, अगर रहती है तो आपकी जिम्मेदारी है, विरासत अलग मसला है, उसका जो हिस्सा निकलता है वो आपको देना पड़ेगा, वो हकदार है मरने वाले की बीवी होने के नाते। कई मरतबा बाप का इंतकाल हो जाता है, बच्चे अभी यतीम है, छोटे छोटे हैं, तो भी उसके माल पर कब्जा कर लिया जाता है, कभी भाई कब्जा कर लेता है मरने वाले का, कभी बीवी कब्जा करके बैठ जाती है, तो कुरान करीम की आयत है अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं वो असल में माल नहीं खाते, वो अपने पेट में अंगारे भरते हैं। अब सबसे आखिरी बात, क्योंकि वक्त भी होता चला जा रहा है, कि अगर कोई शख्स मरने से पहले अपनी हयाती में सारा काम काज निपटा कर जाना चाहता है, वो ये चाहता है कि मरने के बाद कोई झगड़ा ही बाकी न रहे मेरे बेटों में और मेरे बेटों बेटियों में, तो दुनिया ही में काम करके जाता है कि मैं सारा माल दुनिया ही में तकसीम कर दूं। तो उसका तरीकेकार ये है कि सबसे पहले तो मरने वाला अपने लिए कुछ माल अलग करके रख ले, सारा माल तकसीम न करें, इसलिए कि कई मरतबा, क्योंकि माल ऐसी चीज है जो फिर रिश्ते नातों का भी लिहाज नहीं रखती है, आपने सारा माल अपने बेटों और बेटियों में तकसीम कर दिया, फिर कभी कभार ऐसा भी आता है कि बाप को दरबदर होना पड़ता है और बेटे माल लेकर अलग हो जाते हैं, ये कहते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब वो बाप हर एतबार से मोहताज बन जाता है।
इसलिए तकसीम करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन 20% 25% माल अपने लिए अलग रखे ताकि उसके हाथ खर्ची के लिए, बीमारी के लिए काम आवे। दूसरी बात कि अगर अपनी हयाती में तकसीम करना चाहता है तो मुस्तहब और असल तरीका यह है कि बेटे और बेटियों में दोनों में बराबर दे। जितना बेटों को दिया जाता है उतना ही बेटियों में दिया जाता है। लेकिन अगर मरने वाला विरासत की तरतीब के मुताबिक भी अगर तकसीम करना चाहता है तो कर सकता है, बेटे को डबल, बेटी को सिंगल, अपनी बीवी को जो हिस्सा मिलता है उस एतबार से भी वो देने की गुंजाइश है। लेकिन हयाती में भी तकसीम करने से पहले मोतबर मुफ्तियाने किराम से रुजू कर लिया जाए। हयाती में तकसीम करने में इस बात की भी गुंजाइश है कि अगर माल आगे पीछे हो सकता है, किसी लड़के को ज्यादा देना है, किसी को कम देना है, तो भी देने की गुंजाइश है। लेकिन उसकी कुछ वजूहात है, उस वजूहात क्या क्या है वो वजूहात, उससे रब्ता समझने के लिए भी आपको मुफ्तियाने किराम से रुजू होना पड़ेगा। विरासत के हर मसले में यही बात है कि हर काम करने से पहले आप किसी न किसी मुफ्तियाने किराम, मोतबर मुफ्तियाने किराम से रुजू करें। कई मरतबा ऐसा होता है कि मरने वाले के चार बेटे थे, अब एक बेटे का जो शख्स मरा है उससे पहले ही इंतकाल हो चुका था। चार बेटे थे, बाप की हयाती में बाप बेटे का इंतकाल हो चुका था। अब शरीयत ये कहती है कि जब मरने वाला मर जाता है तो उसके विरासत में वही लोग हिस्सेदार होते हैं जो दुनिया में उस वक्त हयात हो। अब चार बेटों में से एक का तो इंतकाल हो चुका, अब उसको विरासत में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो शरीयत कहती उसको हिस्सा नहीं मिलता। इसलिए बाप को भी ये चाहिए, मरने वाले को भी ये चाहिए कि जब हयाती ही में किसी बेटे का इंतकाल हो चुका है तो उसकी बीवी भी हयात है, उसके बच्चे भी हयात है, तो उसको भी हयाती में देने का तरीकाकार है। आप किसी मोतबर मुफ्ती से रुजू करें, बतौर हदिया दुनिया ही में आप दे सकते हैं कि मेरे बेटे का इंतकाल हो चुका है, मेरे मरने के बाद उसको हिस्सा तो मिलेगा नहीं, हालांकि उसका उसकी मतलब के बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं, तो हयात ही में आप उसको दे सकते हैं, या फिर आप वसीयत करके भी जा सकते हैं, इसलिए कि उसको हिस्सा मिल नहीं रहा है। बीवी मरने वाले की बेटे की बीवी को हिस्सा नहीं मिलता है, पोतों को हिस्सा नहीं मिलता है बेटों के मौजूदगी में, तो आप वसीयत करके भी ये जा सकते हैं। तो उस वक्त भी आप किसी मोतबर मुफ्ती से रुजू करें और उससे आप रब्ता करें और कहें कि इसका हम किस तरीके पर तकसीम करें। उसके अलावा एक मसला ये भी है जो आमतौर पर चलता है, ले पालक बेटा हमने किसी को गोद में लिया है तो क्या वो विरासत का हकदार है या नहीं है। सबसे पहले तो ये बात समझ ले कि ले पालक बेटा हकीकी बेटा नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला को गोद लिया था, तब तक लिया था, वो भी ले पालक बेटा था। जब मदीना की गलियों में लोग ये कहने लगे ज़ैद बिन मोहम्मद, तो फौरन कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई और ये कहा गया कि ये हकीकी बेटा नहीं है, उनके जो हकीकी वालिद हैं इन्हीं के नाम से इनको पुकारा जाए। तो एक बात ये भी समझ लें कि ले पालक बेटा अपने हकीकी बाप ही की औलाद है, जिसने दत्तक लिया उसकी हैसियत सिर्फ एक वली की है, जिम्मेदार की है, परवरिश करने वाले की हैसियत है, असली बाप का वो दर्जा नहीं ले सकता। इसलिए जो शख्स दत्तक किसी लड़के को लेते हैं तो असल बाप का नाम हटाकर अपना नाम भी नहीं लिख सकते, ये भी शरीयत में जायज नहीं है। इसलिए विरासत का हकदार भी असल बाप ही की मिल्कियत में होगा, जिसने दत्तक लिया है उसके माल में उसका कोई हिस्सा नहीं है। अगर वो देना भी चाहता है तो अपनी हयाती में हदिया दे सकता है, वसीयत करके जा सकता है, ये सारे काम कर सकता है, वरना विरासत में उसको हिस्सा नहीं मिलता है। तो एक मसला था मुतवन्ना यानी ले पालक बेटे की विरासत का मसला। बस एक आखिरी बात कहकर बात खत्म करते हैं कि विरासत में जो हिस्सा मिलता है वो पेट में पलने वाले बच्चे को भी हिस्सा मिलता है। जमाने जाहिलियत में ये होता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कि विरासत का हकदार वही होता था जो कमाने के काबिल हो, जो घोड़ा लेकर तलवार लेकर मैदान जंग में जा सके और माल कमा सके उसी को दिया जाता था। नाबालिग छोटे बच्चों को, औरतों को तो बिल्कुल हिस्सा नहीं दिया जाता था। शरीयत ने आकर इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया और फिर तफसील के साथ अहकाम बयान किए, कहा कि उसमें मरने वाले का हर बेटा विरासत का हकदार होगा, मरने वाले की हर बेटी विरासत में हकदार होगा। और यहाँ तक कहा गया कि अगर मरने वाले की बीवी के पेट में अगर बच्चा पड़ रहा है तो वो भी विरासत का हकदार होगा। जब विरासत तकसीम करने का मौका आए
तो लड़के का हिस्सा निकाल कर अलग रख दिया जाए, बतौर अमानत किसी को सौंप दिया जाए, और जब वो दुनिया में जिंदा निकल आए तो फिर उसको दे दिया जाए, मतलब उसकी जो जिम्मेदारी उसको दे दिया जाए, बाली होने के बाद उसको सुपुर्द किया जाए। अगर वो जिंदा नहीं आता है तो फिर वो रसाफर वापस तकसीम कर दिया जाएगा। इसको भी समझने के लिए मुआतबर, ये सिर्फ शौक दिलाने के लिए, अहमत दिलाने के लिए है कि जब पेट में पलने वाले बच्चे को जब विरासत में हिस्सा मिलता है तो दीगर तो जो हयात है, वहन है, भाई है, इनको भी बदर्जा औला हिस्सा मिलेगा। आखिर में एक बात यह है कि कई मरतबा इंसान की दो बीवियाँ होती हैं, तो इंसान दो बीवियाँ होती हैं और उसमें जिस बीवी के पास वो ज़्यादा रहता है और उसके बेटे ताकतवर और हावी होते हैं, तो कई मरतबा वो पूरी विरासत पर कब्जा कर लेते हैं और दूसरी बीवी के बच्चों को विरासत में हिस्सा नहीं देते हैं। तो ये मसला भी याद रखें कि अगर किसी की दो या तीन बीवियाँ हैं तो अगर वो उसकी खुद की औलाद है, तीनों बीवियों से जो औलाद हुई है वो खुद उसका बाप है, तो हर एक को बराबर का हिस्सा मिलेगा। किसी पहली बीवी के बच्चों को ज़्यादा, छोटी बीवी के बच्चों को कम, ऐसा कोई मसला नहीं है। हर बीवी की औलाद बराबर की हकदार है। ये चंद बातें थी, अगर वो सही है तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से है, अगर उसमें कोई कोताही और भूल हुई है तो वो शैतान की तरफ से और मेरी अपनी कोताही की तरफ से है। अल्लाह तबारक व ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।